नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब आज मैं फिर से लेके आई हूं आपके लिए जेट प्लांट की वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि जेट प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें इसे किस तरीके की मिट्टी पर लगाना चाहिए इसके साथ ही मैं अपने कुछ जेट प्लांटों की रिपोर्टिंग भी करूंगी जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से आप अपने जेट प्लांट को लगा सकते हैं मेरे जितने भी जेट प्लांट हैं काफ़ी लंबे टाइम से एक ही पॉट में है जो ये वाला जेट प्लांट है ये पूरे चार साल से इसी पॉट में ग्रो कर रहा है जो मेरा ये वाला पॉट है ये हल्का सा टूटने लगा है इसलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ तो देखिए इस जेट प्लांट की ग्रोथ देखिए काफी ज्यादा अच्छी इस पौधे की ग्रोथ है ये पौधा मेरे पास छह साल से है जब मैं इसको नर्सरी से लाई थी तो ये बिल्कुल छोटे से छः इंच के पॉट पर लगा हुआ था दो साल तक मैंने इस पौधे को उसी नर्सरी के छः इंच के पॉट में रहने दिया फिर उसके बाद चार साल पहले मैंने इस पॉट में इस पौधे को लगा दिया था देखिए इसकी जो रूट्स होती हैं बिल्कुल गमले के शेप में आ गई हैं क्योंकि चार साल से मैंने इस पौधे की रिपोर्टिंग की ही नहीं है तो फिर भी देखिए छोटे से गमले में आप पौधे की ग्रोथ दे सकते हैं जो मेरा ये गमला है सिर्फ आठ इंच का है और आठ इंच के गमले में ही इस पौधे की जो ग्रोथ है इतनी अच्छे से हो रही है इस पौधे की भी आज हम रिपोर्टिंग करेंगे इसके साथ ही दो तीन जेट प्लांट और हैं जिनकी मुझे रिपोर्टिंग करनी है ये देखिए ये भी सिर्फ छः इंच के पॉट पे लगा हुआ है आप इस पौधे की ग्रोथ देखिए बहुत ही अच्छी इस पौधे की ग्रोथ है और आप इसके स्टेम देखिए स्टेम भी इस पौधे की काफ़ी ज़्यादा मोटी है इसके साथ ही मेरा डेढ़ से दो साल पहले एक जेट प्लांट पूरा नीचे से टूट गया था जिसकी मैंने कटिंग ग्रो की थी जो उसका मेन प्लांट था उसकी मैंने ये कटिंग लगाई थी जो डेढ़ से दो साल में इस तरीके से अप ग्रो हो चुका है उसके साथ ही उसमें काफ़ी सारी छोटी छोटी कटिंग भी थी जो मैंने अलग अलग छोटे छोटे पॉट्स में लगा दी थी जेट प्लांट की आप छोटी बड़ी किसी भी साइज़ की कटिंग लगाते हैं तो आसानी से लग जाती है इसकी कटिंग लगने में कोई भी दिक्कत नहीं होती सिर्फ पानी का ध्यान देना होता है अगर पानी ज़्यादा देते हैं तो कटिंग गल के खराब हो जाती है तो इस तरीके से मैंने उस प्लांट की काफ़ी सारी कटिंगें लगा दी थी जो सारी की सारी मेरी कटिंगें लग चुकी थी तो आज के वीडियो में दोस्तों हम यही बात करेंगे कि जेट प्लांट की मिट्टी आपको कैसी बनानी है क्योंकि अगर आपके प्लांट की मिट्टी अच्छी बनी है तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है एक मेरा ये जेट प्लांट है इसकी भी मुझे रिपोर्टिंग करनी है और ये भी काफ़ी लंबे टाइम से इसी पॉट में है आप मेरे गमले की मिट्टी देखिए दोस्तों बिल्कुल सॉफ्ट सी है इस मिट्टी में मैंने कोई भी ऐसी चीज नहीं मिलाई है जो मार्केट से हमें खरीद के लानी होती है ना ही इनमें कोकोपीट का यूज किया गया है ना ही जो परलाइट आती है उसका यूज किया गया है ये देखिए फिर भी जो मिट्टी है बहुत ज्यादा सॉफ्ट है इस तरीके की मिट्टी में ही जो जेड प्लांट है बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं और वो काफी ज्यादा स्वस्थ और हरे भरे भी नजर आते हैं अब देखते हैं कि इसकी मिट्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं और इसके गमले किस तरीके से भरे जाते हैं अभी जो मैं जेट प्लांट के लिए गमले ले रही हूँ ये दस इंच के हैं और मैंने सारे के सारे वाइट गमले लिए हुए हैं और गमलों के नीचे सबसे पहले तो हमको दो से तीन होल करने बहुत ज़्यादा जरूरी है ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि गमले के नीचे आप दो से तीन होल जरूर करें और सबसे नीचे हम लेयर लगाएंगे या तो आप पत्थरों की लेयर लगा सकते हैं सबसे नीचे जो लेयर होती है आप छोटे छोटे पत्थरों की लगा सकते हैं या फिर आपके पास कोई मटका है उसको तोड़ के आप उसकी लेयर लगा सकते हैं या फिर आपके पास पुराने दिए हैं तो आप उनकी भी लेयर नीचे से लगा सकते हैं जो मटके और दिए होते हैं अगर आप उनकी नीचे से लेयर लगाते हैं तो पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं क्योंकि जो मटके और दिए होते हैं ये मिट्टी के होते हैं जब हम एक्स्ट्रा पानी डालते हैं तो ये पानी को भी सोख लेते हैं इसके साथ ही जब गर्मी होती है तो उस टाइम पे ये नीचे से पौधों को ठंडक भी देते हैं इस तरीके से हम नीचे की लेयर तैयार कर लेंगे तो इसमें जो सबसे जरूरी चीज़ है वो है सूखे पत्ते सूखे पत्ते जब भी आप सूखे पत्ते को पॉट में डालने के कई सारे फायदे हैं आप जेट प्लांट में ही नहीं कि कोई भी आपका पॉट होता है आप उसे इसी तरीके से भरिए जब हम सूखे पत्ते गमलों में डालते हैं उसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि गमले हमारे बहुत ही ज़्यादा हल्के हो जाते हैं इसके साथ ही सूखे पत्ते धीरे धीरे करके डिकम्पोस्ट होते हैं और हमारे पौधों को बहुत ही अच्छी खाद देते हैं और नीचे अगर पॉट में सूखे पत्ते भरे रहते हैं तो पौधे पर ओवर वाटरिंग का खतरा नहीं होता और ये हमारे पौधों के लिए सबसे अच्छी खाद होती है दोस्तों इसलिए सूखे पत्ते आपको जरूर भरने हैं जितना आपका गमला होता है उसके आधे हिस्से में आप सूखे पत्ते डाल दीजिए उसके बाद हम बनाएंगे मिट्टी इसमें मैं पुराने गमलों की मिट्टी यूज कर रही हूँ और 10 से 20 परसेंट के करीब आप उसमें रेत मिला दीजिए जिसे हम बजरी बोलते हैं रेत मिलाने से जो मिट्टी होती है काफ़ी ज़्यादा बुर होती है आप 10 से 20 परसेंट के करीब उसमें रेत मिला सकते हैं और लगभग 30 परसेंट के करीब आप कोई भी सूखी हुई खाद डाल दीजिए जो मैं ये सूखी हुई खाद डाल रही हूँ ये है किचन कम्पोस्ट मैं ज़्यादातर किचन कम्पोस्ट का ही यूज करती हूँ क्योंकि ये मैं घर में आसानी से बना लेती हूँ तो 30 परसेंट के करीब आप किचन कंपोस्ट डालिए आप गोबर की खाद डाल सकते हैं गोबर की खाद भी बहुत अच्छी होती है लेकिन गोबर की खाद बिल्कुल सड़ी होनी चाहिए तभी वो पौधों पे अच्छा काम करती है इसके साथ ही आप 30 परसेंट के करीब वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं ये देखिए ये किचन कंपोस्ट है जो घर में मैंने तैयार करी है किचन कंपोस्ट एक ऐसी खाद है दोस्तों इसे आप अगर सिक्सटी से सेवेंटी परसेंट भी पौधों पर डालते हैं तो पौधे आपके खराब नहीं होते क्योंकि ये बहुत ही ठंडी खाद होती है और पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है इसलिए मैं ज़्यादातर किचन कंपोस्ट का ही यूज करती हूँ क्यों इसके साथ ही दोस्तों इसमें सबसे जरूरी चीज़ है एक चम्मच हल्दी एक गमले के लिए एक चम्मच हल्दी जरूर डालें जब भी आप मिट्टी बनाते हैं जो ये मिट्टी है ये दो गमलों के बराबर है तो मैं दो चम्मच हल्दी का यूज कर रही हूँ हेल्दी डालने के कई सारे फायदे हैं एक तो ये मिट्टी में फंगस नहीं लगने देती दूसरा ये हमारी मिट्टी को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती है इसलिए हमेशा मिट्टी बनाते समय एक चम्मच हल्दी का प्रयोग जरूर करें तो इस तरीके से हम मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गमले में अच्छे से भर लेंगे जो हम ये मिट्टी भर रहे हैं इसे हमें गमले में ऊपर तक अच्छे से भरनी है क्योंकि जो नीचे मैंने इसमें पत्ते डाले हुए हैं ये धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाते हैं और बाद में जो गमला होता है ऊपर से खाली नजर आता है तो इसलिए जो गमला होता है उसे ऊपर तक भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है अब हम इन गमलों में पौधे लगाएंगे ये देखिए इस तरीके से सबसे पहले मैं ये वाला प्लांट लगा लेती हूँ जितनी भी इसमें एक्स्ट्रा नीचे से मिट्टी है और रूट्स हैं उनको मैं हटा दूँगी जेट प्लांट की जो ये नीचे से बिल्कुल बारीक बारीक सी रूट्स होती हैं अगर आप इनको हटा भी देते हैं तो पौधे में कोई भी दिक्कत नहीं होती हल्के हाथों से जितनी मिट्टी और जितनी रूट्स आती है आपको उनको निकाल देना है हमें बहुत जोर लगा के जड़ों को नहीं खींचना होता है जितनी भी हल्के हाथों से जड़ें निकल जाती है उन जड़ों को निकाल लेना है ये देखिए इस तरीके से मैंने एक्स्ट्रा मिट्टी सारी निकाल दी है अब मैं इसे इस गमले में अच्छे से लगा दूंगी इस तरीके से मैंने इसे गमले में लगा दिया है इसी तरीके से मैं दूसरे जेट प्लांट को भी इसमें लगा दूंगी ये देखिए दोस्तों जो नीचे से मटके के पीस डाले हुए थे वो इस तरीके से चिपक गए हैं और जो ये नीचे की रूट्स हैं इनको हल्के हाथों से इस तरीके से हमें हटा देना है ये देखिए ये बहुत आसानी से हट जाती है और इस प्लांट को भी मैं गमले पर लगा दूंगी और तो इसी तरीके से हम सारे के सारे पौधे लगा देंगे तो इस तरीके की आपको जेट प्लांट के लिए मिट्टी बनानी है इसके साथ ही दोस्तों एक चीज का आपको ध्यान देना है जब आपका जेट प्लांट छोटा होता है तो आपको उसको छोटे ही गमले में लगाना है अगर आपका जेट प्लांट की जो हाइट है वो छः इंच है तो आप उसको चार से पाँच इंच के पॉट पे ही लगाइए छोटे प्लांट को कभी भी आपको बड़े गमले में नहीं लगाना है जब आपका जेट प्लांट धीरे धीरे बड़ा होता है तो आप उसको दो से तीन साल में तब उसका गमला चेंज करिए आप मेरे जेट प्लांट देखिए दोस्तों कितने ज्यादा बड़े हैं फिर भी ये छः से आठ इंच के पॉट में ही हैं और बहुत अच्छे से ये इन गमलों में ग्रो कर रहे हैं अब जाके मैंने इनको दस इंच का पॉट दिया हुआ है सिर्फ मेरा एक ही जेड प्लांट है जो मैंने लगभग 12 इंच के पॉट पर लगाया है वो भी पिछले साल ही मैंने इसको रिपोर्ट किया था ये देखिए ये सीमेंट के पॉट पर लगा हुआ है तो इस तरीके से आपको अपने जेड प्लांट की मिट्टी बनानी है जिसमें आपका जेट प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करे इसके साथ ही जेड प्लांट को बहुत अच्छी धूप की जरूरत होती है जितनी अच्छी आप पौधे को धूप देंगे पौधा उतने अच्छे से ग्रोथ करेगा साथ ही पौधे को पानी बहुत कम देना है पानी ज़्यादा देंगे तो आपका पौधा गल के जरूर खराब हो जाएगा तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपना और अपने पौधों का ख्याल रखें वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद